सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ एजुस टफ गेमिंग A15 वर्सेस लेनोवो लीजन 5। और अभी दोनों ही लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और बाकी प्राइस की बात करें तो एजुस टफ A15 का करेंटली प्राइस चल रहा है 58,990 और लेनोवो लीजन 5 का प्राइस चल रहा है 61,989। तो दोनों ही लैपटॉप्स के प्राइस में केवल 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन हो जाता है ये बायर्स के लिए कि इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप परचेज करना चाहिए। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखो, मैं आपको डिटेल में दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड तक आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा लैपटॉप आपको परचेज करना है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टफ A15 आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल पैनल, जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में 250Hz की ब्राइटनेस, 62.5% sRGB और 45% NTSC मिलता है। एडेप्टिव सिंक का भी सपोर्ट आपको उसमें मिलता है और बहुत ही थिन बेजल्स मिलते हैं। वहीं लीजन 5 की बात करें तो लीजन 5 में आपको मिलता है 15.6 इंच का एक फुल HD एंटी ग्लेयर IPS पैनल, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में वही 250Hz की ब्राइटनेस, 62.5% sRGB और 45% NTSC है। साथ में इसमें भी आपको बहुत ही थिन बेजल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने दोनों ही लैपटॉप के डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट के अलावा एक और डिफरेंस नोटिस किया होगा, जो कि है टफ A15 का IPS लेवल पैनल और लीजन 5 का IPS पैनल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों के पैनल में डिफरेंस है, ये डिफरेंस बस ऑन पेपर है। बाकी अगर आप रियल लाइफ में कंपेयर करो ना, तो रियल लाइफ में आपको दोनों ही लैपटॉप के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो दोनों ही लैपटॉप में आपको बिल्कुल सेम डिस्प्ले मिलता है, और यही सेम डिस्प्ले आपको अंडर 90 के सभी गेमिंग लैपटॉप में मिलेगा। तो दोनों ही लैपटॉप में बिल्कुल अच्छा डिस्प्ले आता है और दोनों ही लैपटॉप का डिस्प्ले बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप दोनों ही लैपटॉप के डिस्प्ले में बस एक डिफरेंस बचता है, वो है रिफ्रेश रेट। यहाँ पर आपको टफ A15 में थोड़ा हायर रिफ्रेश रेट मिलता है 144Hz का, और लीजन 5 में थोड़ा लोअर मिलता है 120Hz का। वैसे ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अभी डिस्प्ले के मामले में दोनों में से कोई एक लैपटॉप को विनर बनाना हो तो मैं यहाँ पर टफ A15 को विनर दूंगा, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भले ही थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन ज़्यादा तो मिलता है ना, तो वही यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में विनर है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप्स में फुली प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, और टफ के केस में यहाँ पर आपको गुड क्वालिटी प्लास्टिक मिलता है, और लीजन के केस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है। वहीं टॉप लेड और कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो टफ A15 में आपको थोड़ा सा टॉप लेड एंड कीबोर्ड में फ्लेक्स मिलता है, और लीजन 5 में आपको ये जो फ्लेक्स मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, बिल्कुल मिनिमल सा मिलता है। तो लीजन 5 में आपको जो कीबोर्ड और टॉप लेड फ्लेक्स है वो टफ A15 से थोड़ा कम मिलता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, और आप जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स के जितने भी लैपटॉप उठा के देख लो तो जो टफ सीरीज और लीजन सीरीज के लैपटॉप्स हैं उनमें आपको हमेशा ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पर लीजन 5 में थोड़ी सी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है एज कम्पेयर टू टफ A15। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको राइजन 5 4600H CPU मिलता है, जो कि 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स के साथ आता है। साथ में GPU भी दोनों में आपको सेम मिलता है 4GB का GTX 1650 DDR6 वाली VRAM के साथ, और रैम भी यहाँ पर दोनों में बिल्कुल सेम है 8GB की DDR4 3200MHz वाली रैम। बस स्टोरेज ऑप्शन में यहाँ पर डिफरेंस आता है, क्योंकि टफ A15 में आपको मिलता है 512GB की PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD, और वहीं लीजन 5 में आपको हाइब्रिड स्टोरेज ऑप्शन मिलता है जो कि है 1TB SSD, जो कि 5400RPM वाली है, और साथ में 256GB की SSD मिलती है, और ये SSD भी वही PCIe 3.0 NVMe M.2 वाली SSD है। अब यहाँ पर आप CPU परफॉर्मेंस की बात करो तो CPU परफॉर्मेंस आपको दोनों ही लैपटॉप में बिल्कुल सेम मिलती है, बस डिफरेंस आता है यहाँ पर तो वो आता है GPU परफॉर्मेंस में, क्योंकि आपको लीजन 5 में जो है वो मिलता है मक्स स्विच, और मक्स स्विच के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मक्स स्विच से हमें जो है गेमिंग के टाइम पर FPS में थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, और मक्स स्विच केवल थोड़े प्रीमियम लैपटॉप में ही आता है, लेकिन लीजन ही सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें कि आपको बजट सेगमेंट में भी मक्स स्विच मिलता है। तो यहाँ पर लीजन में मक्स स्विच होने की वजह से आपको गेमिंग में 10-15% मोर FPS देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू टफ A15। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में विनर है लीजन 5, क्योंकि वहाँ पर आपको मक्स स्विच की वजह से थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू टफ A15। अब वहीं अपग्रेड्स की बात करें तो टफ में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं और 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं, और इन 2 रैम स्लॉट्स में से एक स्लॉट आपको एम्प्टी मिलता है आपकी रैम अपग्रेड के लिए, और 2 SSD स्लॉट्स में से भी एक SSD स्लॉट आपको एम्प्टी मिलता है आपकी SSD अपग्रेड के लिए।
वहीं लीजन में भी आपको दो रैम स्लॉट्स मिलते हैं और एक एसएसडी स्लॉट मिलता है और एक एसडीडी स्लॉट मिलता है। अब इन दो रैम स्लॉट में से एक रैम स्लॉट आपका खाली मिलता है आपको रैम अपग्रेड के लिए, और एसएसडी स्लॉट और एसडीडी स्लॉट दोनों ही लीजन में ऑक्यूपाइड है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है आपकी स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए। अब अगर आपको टफ की रैम अपग्रेड करना है तो आप अप टू 32 GB तक टफ में रैम अपग्रेड कर सकते हो, और लीजन में आप अप टू 16 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। तो टफ में आप थोड़ी एक्स्ट्रा रैम अपग्रेड कर सकते हो, पर उसकी ऐसी कुछ खास जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि इन दोनों ही लैपटॉप्स के लिए 16 GB रैम मोर देन इनफ है, तो 16 GB से ऊपर जाने की आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। और वहीं आपको टफ में स्टोरेज एक्सपेंड करना है तो टफ का स्टोरेज आप अप टू 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, और टफ में स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए आपको एक SSD यूज करना पड़ेगा M.2 वाली। SSD आप टफ में नहीं लगा सकते हो क्योंकि टफ की बैटरी इतनी बड़ी मिलती है ना, तो टफ में SSD लगाने की जगह नहीं है। तो टफ में अगर आपको अपना स्टोरेज एक्सपेंड करना है तो वो आपको एक SSD के थ्रू ही करना पड़ेगा। वहीं लीजन में आप SSD को अप टू 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हो, और SSD को आप अप टू 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। अब लीजन में क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता आपके स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट SSD और SSD लगी है ना, आपको उसको निकाल कर नई SSD या SSD लगाना पड़ेगा लीजन में। इन शॉर्ट बोलूँ तो जो आपकी पुराने वाले स्टोरेज डिवाइसेस है ना, आपको उनको स्वैप करना पड़ेगा एक नए स्टोरेज डिवाइस से, तभी आप लीजन के स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। तो अपग्रेड्स के मामले में तो यहाँ पर टफ बेटर है। अब यहाँ पर थर्मल्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप्स में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है, और वहीं टफ के केस में आपको 3 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं और लीजन में आपको 4 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। तो लीजन में यहाँ पर 1 एग्जॉस्ट वेंट ज़्यादा मिलता है आपको। साथ में टफ में 4 हीट पाइप्स है एंड 3 हीट सिंक्स है। वही लीजन में आपको डेडिकेटेड कॉपर हीट पाइप्स मिलते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये है कि यहाँ पर आपको GPU और CPU दोनों के लिए ही डेडिकेटेड कॉपर हीट पाइप्स मिलते हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो ज़रूर से मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, तो मुझे भी कुछ नया नॉलेज मिलेगा। और टफ में आपको सेल्फ क्लीनिंग फीचर भी मिलता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो एग्जॉस्ट फैंस का कचरा है वो अपने आप निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बस इसमें ये है कि जो कचरा है वो थोड़ा कम जाता है आपके लैपटॉप के अंदर, क्योंकि मेरे पास भी टफ A15 है, और जब मैंने रैम अपग्रेड करने के लिए खोला था ना, तो मैं इसका वीडियो भी बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरा लैपटॉप बस 3 महीने पुराना हुआ था और उसमें थोड़ी बहुत डस्ट जम गई थी उसके फैंस में। और सेल्फ क्लीनिंग जैसा आपको कुछ फीचर लीजन में नहीं मिलता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप्स एयर इनटेक बॉटम से करते हैं, और लीजन में आपको लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर कोटेड फैंस मिलते हैं। और टफ के ओवरऑल थर्मल्स की बात करें तो जो टफ का ओवरऑल थर्मल है वो काफी अच्छा है, आपको कभी भी इस लैपटॉप में ओवरहीटिंग और थ्रॉटलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। वहीं लीजन की बात करें तो जो लीजन का थर्मल्स है ना, वो थोड़े से बेटर डिजाइंड है एज कम्पेयर टू टफ, और ओवरऑल जो कूलिंग है ना वो आपको लीजन में थोड़ी सी बेटर मिलती है अगर आप उसको टफ से कंपेयर करो। साथ में लीजन में भी आपको कोई भी ओवरहीटिंग और थ्रॉटलिंग से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। तो ओवरऑल थर्मल्स की बात करें तो यहाँ पर थर्मल्स के मामले में विनर है लीजन 5, क्योंकि उसका थर्मल थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिजाइन किया गया है। अब कीबोर्ड एंड टचपैड की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद नंबर पैड, और दोनों लैपटॉप्स में आपको बिग कीज मिलती है, और टफ में आपको जो की प्रेस करने का फीडबैक है ना वो फीडबैक अच्छा मिलता है, और लीजन में आपको वही फीडबैक बिल्कुल एक्सीलेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लीजन में आपको 1.5 mm का ट्रेवल डिस्टेंस मिलता है कीज का। साथ में दोनों को टच पैड भी एडिक्वेट साइज का है, बिल्कुल छोटा नहीं है, एकदम सही साइज का टच पैड आपको दोनों में मिलता है। और जो टफ है उसमें आपको डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं टच पैड में, और वहीं लीजन में आपको कोई भी डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स नहीं मिलते, उसमें आपको एम्बेडेड मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स। साथ में टफ कीबोर्ड मल्टी कलर्ड RGB कीबोर्ड है जो कि फुली कस्टमाइजेबल है, आप उसको आर्मरी क्रेट से पूरे उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, और साथ में 4 प्रीसेट LED इफेक्ट्स भी मिलते हैं आपको उसके कीबोर्ड की बैकलाइटिंग के लिए। और वहीं लीजन में आपको सिंपल व्हाइट कलर का बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, और लीजन के कीबोर्ड में आपको कोई भी LED इफेक्ट नहीं मिलता है, और लीजन के कीबोर्ड का कलर भी आप चेंज नहीं कर सकते, बस व्हाइट कलर में ही उसकी बैकलाइट जलती है। तो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टफ में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, और वहीं लीजन में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस एक्सलेंट मिलता है, क्योंकि लीजन में आपको टू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है, और ये जो टू स्ट्राइक कीबोर्ड है ना लेनोवो का, ये अपने सेगमेंट का बेस्ट कीबोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको जो कीज मिलती है वो थोड़ी सी कर्वी मिलती है, और 1.5 mm का की ट्रेवल डिस्टेंस भी है, तो इससे ना लीजन अपने सेगमेंट में बिल्कुल बेस्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। और वहीं लुक्स के मामले में बात करें तो लुक्स के मामले में बेटर कीबोर्ड है टफ का, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट WASD कीज मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है, और जो RGB लाइटिंग है टफ की वो फुली कस्टमाइजेबल है, तो इस वजह से लुक्स के मामले में ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड टफ का है, और वहीं टाइपिंग एक्सपीरियंस के मामले में ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड लीजन का है। अब यहाँ पर बैटरी की बात करें तो टफ में
में आपको मिलती है 90 वॉट आर की बैटरी और लीजन में आपको मिलती है 60 वॉट आर की बैटरी। अब यहाँ पर एजूस क्लेम करता है कि टफ की बैटरी आपको अराउंड 10 आवर्स का बैकअप दे देगी ऑन एवरेज, और लेनोवो क्लेम करता है कि लीजन की बैटरी आपको 7 आवर्स का बैकअप दे देगी ऑन एवरेज। वैसे ये जो क्लेम वाला बैटरी बैकअप है ना, इतना आपको दोनों ही लैपटॉप में नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में आप बैटरी बैकअप देखो तो इससे थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि रियल लाइफ में बैटरी बैकअप काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो इसलिए रियल लाइफ बैटरी बैकअप मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा, आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी टफ में आपको 150 वॉट्स का अडैप्टर मिलता है और लीजन में आपको 170 वॉट्स का अडैप्टर मिलता है। टफ में आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टफ थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है चार्ज होने में एज कम्पेयर टू लीजन, क्योंकि टफ में एक तो बड़ी बैटरी भी है और 150 वॉट्स का अडैप्टर भी है। और वहीं लीजन में आपको रैपिड चार्ज प्रो का सपोर्ट मिलता है, ये लेनोवो की फास्ट चार्जिंग है और इसके थ्रू आप अपने लैपटॉप को 30 मिनट्स में 50% तक चार्ज कर सकते हो। अब बैटरी के मामले में विनर की बात करें तो वो आपको साफ समझ में आई क्या होगा कि यहाँ पर बैटरी के मामले में विनर तो टफ है, क्योंकि लीजन से कंपेयर करो तो आपको काफी ज्यादा बड़ी बैटरी मिलती है टफ में, और लीजन से ही क्या बल्कि जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बैटरी आपको टफ में मिलती है, इससे ज़्यादा बैटरी आपको किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर टफ आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा एज कम्पेयर टू लीजन। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर टफ में आपको 3 USB 3.2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं और वहीं लीजन में आपको 4 USB 3.2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर लीजन में आपको एक USB पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको एक एक HDMI पोर्ट मिलता है 2.0 वाला और एक एक RJ45 LAN पोर्ट्स मिलते हैं, और दोनों ही लैपटॉप में आपको एक 3.2 वाला टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे कि आप डिस्प्ले आउट भी ले सकते हो, और दोनों ही लैपटॉप में आपको एक 3.5mm वाला ऑडियो जैक कॉम्बो मिलता है। साथ में टफ में आपको वाईफाई 6 प्लस लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 मिलता है और वहीं लीजन में आपको वाईफाई 6 प्लस ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। तो यहाँ पर आपको टफ में जो है वो लेटेस्ट ब्लूटूथ का वर्जन मिल रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स के मामले में विनर है लीजन 5, क्योंकि लीजन 5 आपको एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट देता है। तो अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं, क्योंकि वैसे मुझे पता है कि आप अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप अपने लिए लेना है और कौन सा लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं आपका डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद करता हूं, थोड़ा आपका डिसीजन आसान करता हूं। तो सबसे पहले बात करें कि कौन सा लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है, तो दोनों ही लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो टफ है वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि टफ का प्राइस है 59,000 का और इस प्राइस में टफ आपको दे रहा है इस सेगमेंट का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, साथ में इस सेगमेंट का बेस्ट लुकिंग कीबोर्ड, क्योंकि फुली कस्टमाइजेबल कीबोर्ड है टफ का यहाँ पर, और किसी भी गेमिंग लैपटॉप के मुकाबले एक बहुत बड़ी बैटरी भी दे रहा है। तो इस कारण से टफ जो है वो लीजन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट बस 60,000 का है और आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हो तो फिर टफ ले लो, बिल्कुल टफ, क्योंकि एक अच्छा एकदम परफेक्ट लैपटॉप है और एक बहुत अच्छा लैपटॉप है। तो आप टफ ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी टफ से। और वहीं लीजन की बात करें तो लीजन के लिए आपको करीब 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा पैसे के बदले आपको थोड़ी प्रीमियम बिल्ड मिल जाएगी और इस सेगमेंट का बेस्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस वाला कीबोर्ड मिल जाएगा और थोड़े बेटर थर्मल्स मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात कि आपको मग स्विच मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि सेम CPU और GPU होने के बाद भी टफ से थोड़ी बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको लीजन दे देगा। तो अगर आप 3,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे सकते हो तो फिर लीजन के साथ जाओ, और अगर आप वो 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हो तो फिर टफ के साथ चल जाओ। तो चलो फिर आज की वीडियो में आप इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।